मामला धार जिले के डेहरी चौकी का है, जहां पर किसान बद्री पिता गंगा जी की निजी जमीन पर बुआई रोकवाने पहुंचे। डेहरी चौकी प्रभारी उपाध्याय का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जो डेहरी का है, जहां लंबे समय से एक जमीनी विवाद चल रहा था जिसका निराकरण आज तक नहीं हो पाया। लेकिन अचानक पुलिस द्वितीय पक्ष को न्योता लेकर जमीन मालिक को धमकाने पहुंचे थे। जब मीडिया ने मौके पर जाकर देखा तो पूरा मामला ही उल्टा था। दरअसल जिस जमीन की बात की जा रही है, वह सन 1983 में पूरे परिवार की जमीन 17 हेक्टेयर 339 आरे थी, जो गेदीबाई पति भूरिया, जिसका राजस्व में खाता क्रमांक 50 था, जिसमें टोटल परिवार के 7 लोगों के नाम दर्ज हैं, जिसमें बद्री पिता गंगा भी शामिल है, जिसमें बद्री गंगा का 248/1 का 500 आरे प्राप्त हुआ था, जो आज भी उनके एचके और अधिकार में है, जिसमें वो खेती कर रहे हैं। लेकिन अचानक चौकी प्रभारी दोबारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक किसान को जबरन धमकाया और उसको डराने के लिए, सामने के पक्ष को डराने के हिसाब से उनको कहना कि पैसे वाली पार्टी है, उनसे मत उलझो। इस बात से कहीं ना कहीं दलाली की भी बू आती है। जो मामला राजस्व विभाग का है, उसमें चौकी प्रभारी द्वारा टांग अड़ाना इस इशारे को सही साबित करता है। जिस जमीन का विवाद है, दरअसल 248/1 का और 248/1 ख का है, लेकिन इस क और ख को समझने की बजाय उलझने में लगे। जिस प्रकार किसानों को लेकर देश में जो बातें होती है, उन किसानों की वास्तविक स्थिति कुछ और है। जो किसान देश के जवानों को अन्न देता है, वही किसान उनको अपने पावर का दुरुपयोग कर उनको उनके ही जमीन पर खेती करने से रोका जाता है। चूँकि किसान के बेटे ने सीएम हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत भी की है, लेकिन चौकी प्रभारी ने मामले को उलझता देख मीडिया से भी दूरी बनाना शुरू कर दी और मीडिया को सही जवाब नहीं दे पाए। अगर देखा जाए तो राजस्व विभाग द्वारा इस जमीन का आज दिनांक तक तरमीम नहीं किया गया। जब भी ऑनलाइन नक्शा निकालते हैं तो वही पुराना सन 1956 का नक्शा निकलता है, लेकिन आज दिनांक तक रोड का तरमीम नहीं किया गया, जिसका खामियाजा आज किसान भोग रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस किसान को उसी की जमीन पर खेती करने से रोकने वाले चौकी प्रभारी पर क्या कार्रवाई होगी और इस किसान की आवाज कौन सुनेगा। वही चौकी प्रभारी को जब इन सब चीजों का पता चला तो उनका कहना था कि रिटायरमेंट में 2 माह बचे हैं, मैं किसी भी प्रकार से वाद विवाद नहीं चाहता हूं। जब चौकी प्रभारी सब जानते हैं तो फिर निर्दोष किसान के खेत में बुआई रोकवाने क्यों पहुंचे। इधर जब मीडिया के स्पेशल रिपोर्टर चौकी बात करने पहुंचे तो उनके जवान से मोबाइल छीनने को कहा और वीडियो डिलीट करने को कहा, जबकि किसी भी प्रकार का वीडियो नहीं था। फिर भी चौकी प्रभारी ने मोबाइल मीडिया कर्मी से छीन लिया और कहा कि मीडिया को क्यों दुबई, मेरा काम नहीं है, रोज आएंगे तो रोज जवाब दूंगा। इस प्रकार का रवैया डेहरी चौकी प्रभारी का मीडिया से है, तो साहब आम आदमी से किस प्रकार से बात करते होंगे। चौकी प्रभारी से हर कोई परेशान, अपनी दाग का खूब इस्तेमाल कर अपनी चांदी करने में लगे। साहब आखिर ना कोई रिपोर्ट ना कोई आवेदन, बिना अचानक अपनी दबंगई दिखाने पहुंचे साहब, अब बोलने से भी मुंह छुपाते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय न्यूज के लिए कलीम खान की रिपोर्ट। जब से जमीन में गिर रही हूं, इस बच्चे को पकड़ के क्या करोगे? मैं चलती हूं, तुम कहां ले जाओ? चलो पकड़ो, इसको पकड़ घिस कर ले जाओ। पुलिस ने आपके साथ जुमा जेट के करी क्या? पुलिस ने तो नहीं, वो सामने करी, वो निकल तू यहाँ से बाहर निकल, इधर आ के। तो क्या समझता, क्या लेडीज पुलिस थी क्या? नहीं होती, वो था ये यही का चौकी। हाँ, चौकी का, चौकी पर बात। तो ये जमीन कोई विवाद से संबंधित सूचना आई थी कि वहाँ झगड़ा होने की संभावना है, तो मैंने चौकी प्रभारी को बोल कर भेजा था, देखो वहाँ कोई विवाद ना हो जाए। हमारा चौकी प्रभारी गया था वहाँ, समझा बुझा के आ गया था, कोई बात मत करना। वो विवाद रोकने के लिए हमने भेजा था, हमारा और कोई दूसरा इंटेंशन नहीं था। किसकी जमीन है वो न्यायालय जाने, तहसील जाने, तहसील से कब्जा लें, तहसील उनको बताए, या उनके केस भी चल रहे हैं कोर्ट में, तो पूरा अपने तहसीलदार को पटवारी ले जाकर नियुक्ति कराया। जो विवाद हुआ था, कोई किसी ने आपको जानकारी दी कि वहाँ पे विवाद हो रहा है? तो विवाद की सूचना आई थी, उस पर से मैंने भेजा था, कोई विवाद ना हो कि साहब वहाँ विवाद होने की संभावना है, तो मैंने अपने चौकी प्रभारी भेज दिया। सर जी, वो जगह तो उनकी खुद की बता रहे, वो जगह हमारी है। जगह वो किसकी है ये पटवारी जाने, तहसीलदार जाने, हमारे पास कोई उसका रिकॉर्ड रहता है। Subscribe now to most exciting channel ever.